हेलो रवि तभी यूट्यूब फैमिली, होप यू गाइस ऑल आर फाइन एंड फिट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि तभी। आज मैं आ गया हूं सेकंड व्हीकल डिप पर, जो रहने वाला वन एंड ओनली कार किक बाय द व्हीकल बीच। यस गाइस, आज हम आए वन एंड ओनली राहुल भाई के शोरूम में, जो रहने वाला नया शोरूम। सबका कंसर्न यही था कि यार हमें चाहिए क्वालिटी प्रोडक्ट, ट्रस्टेड प्रोडक्ट एंड विद अफोर्डेबल प्राइसेस। यस गाइस, आज हम नाला तो मिल लेते यहां पे वन एंड ओनली राहुल भाई से। कैसे हो मेरे भाई? भाई मेरे भाई कैसा है भाई? मैं बहुत बढ़िया हूं, बहुत अच्छा लगा भाई। रवि तभी अभिषेक भाई हमारे ही भाई हैं और आए हमारे शोरूम। ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये आप सभी का शोरूम है, अभिषेक भाई का शोरूम है। Right. आप विजिट कर सकते हो कार किक्स। और अभिषेक भाई स्लोगन हमारा यही है, वेयर क्वालिटी मीट्स अफोर्डेबिलिटी। क्वालिटी कार्स अफोर्डेबल रेट में आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ कार किक्स बाय द व्हीकल बीस्ट। और कार किक्स के साथ अगर द व्हीकल बीस्ट का नाम जोड़ा तो ट्रस्ट आ जाता है, वहां पे रिलायबिलिटी आ जाती है, जो भी मिलेगा सच ही मिलेगा, आपको कोई भी झूठ बोल के काम नहीं करने वाला। और अभिषेक भाई आपको पता ही हम कितने जेन्युइन, वही जेन्युइनिटी के साथ हम काम करेंगे। सिर्फ बोल रहे ऐसा नहीं, वो करके भी दिखाएंगे। और एड्रेस की बात करें तो आप देख ही सकते हो, अपना वसंत ऑफिस B1 पार्किंग में रहने वाला, Y3 पिलर के पास ही। हमारे पास अभी अभिषेक भाई लिमिटेड स्टॉक है, बट अच्छी क्वालिटी यूज्ड कार मिलेगी। जैसे कि आपने तो अभी सारे गाड़ियां देख ली है। 10 से 15 गाड़ी का कलेक्शन है, हैचबैक, सेडान, एसयूवी, हर एक गाड़ी बट मजेदार रेट में आपको मिलेगी। चलो फिर आज क्या क्या धमाका फोड़ना है भाई? बहुत है, मैं बोलता हूं सरप्राइज रखता हूं, स्टॉक एक एक करके रिवील करते हैं। स्टार्टिंग प्राइस बता दे भाई, क्या बोलता है? 1.5 लाख रुपए से शुरू है। 1.5 लाख से शुरू? 1.5 लाख यार, वैसे मार्केट में यही होता है ना कि लाइक यार मेरे को यूज्ड कार चाहिए पर 1.5 लाख के राउंड का चाहिए। हाँ देखो, वो भी रहते हैं, सबकी फैमिली बड़ी रहती है, कोई को मतलब बोलते हैं ना स्मॉल फैमिली रहता है, किन्हीं का बिग फैमिली रहता है, किन्हीं को हैचबैक चाहिए रहता है, किन्हीं को सेडान चाहिए रहता है, किन्हीं को एसयूवी चाहिए रहता है। हर एक किन्हीं के लिए गाड़ी है अपने पास और अच्छी अच्छी गाड़ी है। और किन्हीं का बजट भी नहीं बैठ पाता तो उसमें हम लोन फैसिलिटीज भी अवेलेबल करवा के दे देते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, फटाफट से 10 से 15 मिनट की पूरी वीडियो देखना। और रवि तभी को अगर यूट्यूब पे देख रहे हो फटाफट से जाओ फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके भी बताना प्राइसिंग और क्वालिटी कैसी लगी आपको। एंड गाइस यार माफ कर देना अगर मैं राहुल भाई को तू करके बोल रहा हूं, बिकॉज़ यार हम कॉलेज से फ्रेंड्स भाई भाई जैसे थे, बस वही है यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई। और आज अपना हमारा डीलरशिप है, हमारा डीलरशिप आपका डीलरशिप है, आके विजिट कर सकते, डील भी ग्रैब कर सकते और जो भी गाड़ी मिलेगी सारी अच्छी गाड़ी मिलेगी। तो फर्स्ट यहां पे स्विफ्ट डिजायर सबकी फेवरेट। यस, ये स्विफ्ट डिजायर है ऑटोमेटिक, 2017 की गाड़ी है, सिर्फ 30,577 किलोमीटर चली है। ये बाइक वगैरह में तो आपको बहुत ज्यादा लगता रहेगा 30,000-40,000, बट कार के लिए बहुत ही नॉर्मल किलोमीटर है, जस्ट वार्म अप हुआ है गाड़ी का। 30,000 चली भी ऑटोमेटिक स्विफ्ट डिजायर, एम्प्टी ट्रांसमिशन, डिक्की स्पेस वगैरह अच्छा मिल जाता है और इंटीरियर जस्ट लाइक न्यू कंडीशन में, आपको म्यूजिक सिस्टम वगैरह हर एक चीज, टचस्क्रीन वगैरह भी देखने को मिल जाता है, टायर कंडीशन जस्ट लाइक न्यू। गाड़ी एक ही प्राइस मार्केट जाओगे 5.75-5.5 के नीचे कहीं नहीं है। कार किक्स आओगे एक ही प्राइस पाओगे सिर्फ और सिर्फ 4,75,000 का डाउन पेमेंट देना है, बाकी का हम फाइनेंस कर देंगे। लास्ट में बताऊं, सरप्राइज है सबके लिए, बताऊंगा लास्ट में। यहाँ पे सेकंड कार क्या है? ये है हुंडई की i20 Elite, इनके पहले एक फ्लूडिक से आती थी, उसके बाद हुंडई ने लॉन्च किया ये वाली प्रोडक्ट और मार्केट में दबा की बिकी। गाड़ी बहुत ही अच्छी है और लोगों की फेवरेट है। Perfect. ये Elite लाया पेट्रोल प्लस CNG में, सेकंड ओनर है, जेन्युइन 91,000 किलोमीटर चली है। जो भी है मैं हमेशा से देखो आने का यही मोटिव, अगर सेम चीज अगर मैं भी रिपीट करूं तो मैं मार्केट में अलग दिखूंगा नहीं। Right. जो जेन्युइन है वही, जो ट्रांसपेरेंसी पूरी रहेगी हमारे पास, किलोमीटर चलिए उतने तो उतने ही बताएंगे और गाड़ी बेचेंगे जेन्युइन बेचेंगे। यस, वैसे गाड़ी चलिए बनने के लिए, बाइक वगैरह भी 50,000-60,000 चलते अगर मेंटेन करके रखते तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये तो फोर व्हीलर है, बड़ा सीसी का इंजन है। आपको ये मिलेगी 14 दिसंबर की Elite पेट्रोल प्लस CNG सेकंड ओनर, 91,000 चली हुई। जो भी छोटा मोटा रहेगा अभिषेक भाई सेकंड हैंड चीज है वो हम करके देंगे। ये गाड़ी आपको मिलेगी फाइनल मार्केट में 4.25-4.5, हम देंगे आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनल 3,75,000 डॉट प्राइस। डील पे डील, डील अभी तो दो ही डील शुरू हुए अभिषेक भाई, बस दो ही डील है, अभी और भी डील आने बाकी है। एक आपको डील देता हूँ, किन्हीं को चाहिए? अपनी फेवरेट यार, सबकी फेवरेट। ये हमारी गाड़ी थी याद आपको, जो ग्रीन कलर में थे, बहुत घूमे, बहुत मजे किए। तो इस गाड़ी के बारे में इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, होंडा सिटी डीजल है, 2015 की जो हमारी थी वो 2014 की थी, ये 2015 की डीजल है, सेकंड ओनर है, 86,000 किलोमीटर चली है और गाड़ी जस्ट लाइक न्यू, अंदर बैठोगे तो टस्किन वगैरह हर एक चीज। और 86 चली है हमारी, जो अगर आप देखे रहेंगे उसमें 1,05,000 चली थी, बट कुछ काम नहीं था। गाड़ी ऐसी है सर कि होंडा सिटी लेते हो, टोयोटा लेते हो ना, आपको मेंटेनेंस वगैरह कुछ ज्यादा आती नहीं, बस मिथ बना है कि होंडा से, होंडा की प्रोडक्ट ये वो, मेंटेनेंस कुछ नहीं है। अच्छी गाड़ी है डीजल 2015 की, एक ही फाइनल प्राइसिंग, फाइनल एकदम 4,65,000। नई गाड़ी 15
17 लाख रुपए की आती है। स्क्रैचलेस कंडीशन में आपको देख लेते, पेंट की क्वालिटी आप देख सकते हो, टायर की कंडीशन, और जो भी आपको दिखेगा नॉर्मल स्क्रैच वगैरह भी दिखेगी ना, हमने ओरिजिनल रखे। अगर कस्टमर आएंगे, क्लाइंट हमारे जो फैमिली आएंगे, उनको अगर वो लगेगा कि नहीं हमें एज इट इज चाहिए, छिड़कानी नहीं करनी होती पेंट में, तो वैसे अरकिनी को चाहिए कि न्यू बना के स्क्रैच, तो हम लोग वो भी करके देंगे, सब हर एक चीज, सर्विस वगैरह भी सब हो जाएगा। डिलीवरी लेंगे ना, उसके पहले हम इंटीरियर पॉलिशिंग वगैरह जो बेसिक चीजें, एक्सटीरियर वगैरह हर एक चीज उनको करके देंगे। होंडा सिटी पेट्रोल 2014 की, अभिषेक भाई ये 2015 की डीजल है, ये 2014 की पेट्रोल है, वन ऑफ द बेस्ट सेडान है इंडियन मार्केट में। ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह भी अच्छे, कंफर्ट टॉप नॉच, 2014 की 1 लाख किलोमीटर के समथिंग कुछ चली है, सिंगल ओनर गाड़ी अभी तक पेट्रोल में आपको ये मिलेगी सिर्फ 3,99,000 फाइनल। ये भी अगेन 12 से 15 लाख रुपए की गाड़ी आती थी उस टाइम। डीपी कितना भरूं फिर? 50,000 तो ना करवा दूंगा। क्या बात है, पेपर वगैरह अच्छा रहा, वो कम से कम डाउन पेमेंट में हो जाएगी। यार इको स्पोर्ट यार मेरा खुद का फेवरेट एक्चुअली। ये एक्चुअली ऐसी ना कि बहुत सारे जो यंगस्टर है और जो गाड़ी को जानते हैं ना अच्छे से डीप में, ये गाड़ी उनकी फेवरेट बनी है। फोर्ड इको स्पोर्ट बिल्ड लाइक अ टैंक, गाड़ी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, देखोगे ना सॉलिड क्वालिटी है, 13 की सिंगल ओनर आपको ये मिलेगी प्योर पेट्रोल में सिर्फ और सिर्फ 3,35,000 फाइनल। 3,35,000 रुपए कैश में, बहुत अच्छी कंडीशन है, एकदम कड़क कंडीशन में आपको देखने मिल जाती है ये वाली इको स्पोर्ट। कड़क डील है आपकी यहाँ पे, कड़क डील देता हूँ, एकदम मस्त डील देता हूँ। 2012 की सेकेंड ओनर है और 75,000 किलोमीटर चली है, ऐसे जितना बताऊंगा ना सब में जेन्युइन चली, 1 लाख किलोमीटर के अबव चली तो उतना बताऊंगा वो, और अगर 35,000 चली तो वो भी बताऊंगा, कुछ भी छुपाना नहीं, कुछ नहीं। ये मिलेगी आपको 2012 की सेकंड ओनर 75,000 चली हुई, S6 वेरिएंट है, इंटीरियर वगैरह सारे क्लीन है और सीट कवर नए हैं। एक ही प्राइस फाइनल प्राइस सिर्फ और सिर्फ 2,95,000 कैश में भाई, यंगस्टर्स की पसंद। और Hyundai वरना आपको बोलेंगे ना कि अरे इतने में न्यू आ जाएगी, बहुत सारे जो लोग रहते सेकंड हैंड गाड़ी सर ऐसे प्राइस में आपको दे रहा हूँ, वरना जैसी गाड़ी आज लेने जाओगे 15 लाख 17 लाख 18 लाख, उस टाइम पे भी 12 लाख 13 लाख की आती थी, आधे प्राइस में दे रहा हूँ, 295 में फाइनल परफेक्ट। यहाँ पे सियाज क्या बात है, ये इसकी थोड़ी कहानी है, किन्हीं को अगर ऑटोमेटिक चाहिए, ZXI भी चाहिए और साथ में ऊंचा मॉडल चाहिए, 16 की गाड़ी फाइनल लेके आया 435 में, 4,35,000 कैश में। एंड कौन सा मॉडल रहने वाला है? 2016 की, 2016 का मॉडल। और सियाज में सर ऐसा है कि आपको बूट स्पेस से लेके अगर आप देखोगे ना इंटीरियर में भी स्पेस आपको बहुत मिलता है, अगर 5 लोग बैठ के भी टूर करना चाहते हो, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, फैमिली कार रहने वाली है। यस राइट, यहाँ पे वाइड करके होंडा सिटी, क्या ये अपना जो 2014 की देखे, उससे पहले का जो वेरिएंट आता था वो ये वाली शेप में, ओल्ड शेप में था ना ये। yes, 2012 की कॉर्पोरेट एडिशन बोलते हैं इसको, व्हाइट कलर है, ये सेकंड ओनर है, एक ही प्राइस देना फाइनल 2,75,000 डॉट प्राइस में आपको दूंगा, गाड़ी एकदम धमाकेदार है भाई सच में। 2,75,000 होंडा सिटी सर, आजकल ना मार्केट में लेने जाओगे बाइक वगैरह, बाइक के वीडियोस बनाते हैं हमारे चहेते हैं भाई रेट भी, तभी आपको बाइक के प्राइस में समझ लो कार मिल जाएगी 2,75,000 में, फैमिली दोस्तों के साथ घूमो मजे करो। Yes. And guys, आपको प्रीमियम कार आपको देखने मिल जाएगा, ये प्रीमियम कार, अगर आप अंदर बैठोगे ना इसमें तो वो वाली फील नहीं आती सर नॉर्मल वाली, आप बैठोगे इसका देखोगे डैशबोर्ड वगैरह, सीटिंग कैपेसिटी वगैरह बहुत ही अच्छी। यार हम भी जब जाते थे पुणे वगैरह जाते थे अपने होंडा सिटी पे, क्या फील आता था, मजेदार गाड़ी है, बहुत मजा आता है, बेस्ट आपको देखने मिल जाता है। यहाँ पे देखो अभिषेक, ये इनके लिए गाड़ी है ना जो अगर बाइक वगैरह यूज कर रहे हैं राइट, और उनको रहता है कि हमारे घर पे एक पहली गाड़ी भी रहनी चाहिए जिसका मेंटेनेंस कम हो, जस्ट लाइक स्प्लेंडर, स्प्लेंडर वैसी गाड़ी टोयोटा एटियोस, क्या बात है। सेकंड ओनर 91 या 1 लाख के समथिंग किलोमीटर चलिए, टोयोटा के लिए कुछ नहीं होता, आपको मालूम है रिलायबिलिटी में नंबर वन है, पहला नाम आता है। एक ही प्राइस देना 2012 की एंडिंग मॉडल, नए सीट कवर, टचस्क्रीन, फाइनल प्राइस 2012 की सेकंड ओनर सिर्फ और सिर्फ 2,25,000, क्या बात है, 2,25,000 रुपए, 225, क्या बात है। अभी मैं ऐसा सोच रहा हूँ आपको एनएस छोड़ के ये वाली गाड़ी ले लेनी, क्यों भाई क्यों, जो बजट में हमने एनएस लिए ना वो बजट में आपको SX 4 दिला दूंगा, क्या बात कर रहे हो, एकदम टॉप डील दे रहा हूँ, उससे भी सस्ता चाहिए भाई, अपने एनएस में लेते आपने कितनी, 1,84,000। अरे यार अभिषेक भाई गलती कर ली आपने, 1,65,000 में SX 4 लाया आपके लिए, क्या बात कर रहे हो, 1,65,000 में SX 4 2009 की सिंगल ओनर गाड़ी, चारों टायर अच्छे हैं, इसमें टच स्क्रीन है, सीट कवर वगैरह सब इन, और 2009 के हिसाब से जब आप कंपेयर करोगे ना तो गाड़ी उभर के आती है सर, टॉप नॉच क्वालिटी है और सिंगल ओनर है, बहुत मस्त। 98,000 देखो, मैं एक बात बोलूंगा, जो लोगों का कॉन्सेप्ट बना है माइंड में चलता है कि यार थर्ड ओनर रहेगी सेकंड ओनर रहेगी तो गाड़ी बुरी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें क्या होता है ना, जब थर्ड ओनर होती है ना, अगर गाड़ियां मेंटेन रहती है तो एक बात अलग है, वो गाड़ी आप आराम से लो,
बस उनकी क्या रहती है, रिसेल वैल्यू कम होती है, तो इसके लिए उसको प्राइसिंग में भी आपको कम आता है, तो चीज आप आराम से प्रीफर कर सकते हो। खाली ये देखो कि वो गाड़ी मेंटेन है कि नहीं, अगर गाड़ी मेंटेन है तो सेकंड ओनर थर्ड ओनर आप देखो ही मत, क्योंकि आप भी बनोगे सेकंड ओनर, आप भी बेचने जाओगे, जो फिर प्रीवियस कस्टमर या जो अगला कस्टमर वो थर्ड ओनर बनेगा, राइट, तो कोई टेंशन नहीं, आप जाओ बिंदास। भाई यहाँ पे अपने को फर्स्ट ओनर भी मिल रहा है, सिंगल ओनर भी मिल रहा है, लेस जीवन भी आपको देखने मिला, एंड गाइस ऊपर से बजट में आपको देखने मिला है, हमारे पास सब तरीके, क्योंकि हमने जो होंडा सिटी यूज किया था हमारी भी थर्ड ओनर थी, राइट, बट उसमें कंडीशन में कोई कमी नहीं, कमी नहीं थी भाई, कंफर्ट वन ऑफ द बेस्ट, इंटीरियर वन ऑफ द बेस्ट, मेरे को तो ऐसा लगता है वो सिंगल ओनर को भी फील कर दी थी, फील कर दी भाई, आराम से फील कर दी, इतनी अच्छी कंडीशन में थी। इसके बारे में बात बताऊं अभी, यार बता दो फिर, बाइक का कितना माइलेज मिलता आपको? यार एनएस है 30-35, वही 30-35 ना, आराम से वही 25-30 का माइलेज देती है कार में, वो भी कार में, सीएनजी वाली, सीएनजी वाली वैगनर 25-28-30 का माइलेज इन हाईवे, 2015 की सेकंड ओनर, सिर्फ 39,000 40,000 किलोमीटर गाड़ी चली है, एक ही प्राइसिंग देना, धमाकेदार प्राइसिंग, सिर्फ और सिर्फ भाई थोड़ी गर्मी, थोड़े पसीने आ रहे हैं, गर्मी गर्मा गर्म दिल देता हूँ, गर्मी बढ़ाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 2,95,000 में, बट आओगे ना एसी में जाओगे, जिनको चाहिए फटाफट से और लेके जाओ, और गाड़ी दिखा एंड गाइस यहां पे ओ चिंटू मिंटू गाड़ी सर, हैप्पी कस्टमर को बस जस्ट टोकन रिसीव किया हमने जो है, हाँ क्या बात है, और ये गाड़ी ऐसी है, अब इसके बारे में देखते रहेंगे सर, रिबन लगा लिए, रिबन वगैरह लगा दिए, हाँ बट ये गाड़ी डिलीवरी के लिए नहीं है सर, अच्छा, ये रेडी करके रखे, रेडी करके रखे, ऐसी गाड़ी है ना पूरी रेडी है, जो लेते हो बस रिबन यहाँ पे और चारों दरवाजे में रिबन लगाना है इनके ऊपर, बस कपड़ा वो ढकना है रिवीलिंग क्लॉथ, बस हमारे भाइयों के लिए रेडी हो जाएगी, 15 मतलब डिलीवरी का एक्सपीरियंस एकदम प्रीमियम रहने वाला है, बहुत मजेदार, अगर आप नई गाड़ी लेने जाते हो ना सर, नई गाड़ी से भी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपको ये यूज्ड कार के, जो बोलते ना लोग एक अलग चीज बना के रखे, आप सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हो, सोसाइटी वाले बोलते ये वो, बट हम उस चीज को चाहते कि वो चेंज हो, क्योंकि सेकंड हैंड गाड़ी सर लोगों के लिए ऐसा रहता है कि यार वो सेकंड हैंड गाड़ी है, हम भी अगर मैं भी परचेज किया था सेकंड हैंड गाड़ी, बट हमारे लिए ऐसी थी कि वो नवी चीज, नवी गाड़ी, एक अलग ही फील आता है, वो एक अलग इमोशन रहता है, उसी चीज को कंटिन्यू रखे हमने, और अच्छा डिलीवरी एक्सपीरियंस भी आपको देंगे, जब आओगे विजिट करोगे तो वो चीज आपको पता है, वो सारी चीज सरप्राइज है, सरप्राइज वगैरह गिफ्ट वगैरह भी रेवी तभी के व्यूअर्स को हम देंगे, 15 की ये मिल जाएगी आपको सिंगल ओनर, सिंगल पेट्रोल सीएनजी, ओके, सिर्फ और सिर्फ 4,55,000, 4,55,000 रुपए में, राइट गाइस, कंडीशन आप देख सकते हो यार, बहुत अच्छी कंडीशन में आपको देखने मिल जाती है, एंड यार यार क्या ही बोलूं यार, बस अपने राहुल भाई नाम जुड़ा है ना सर, कार किक्स जुड़ा है ना, बस वहीं पे ना क्वालिटी मीट्स अफोर्डेबिलिटी, राइट राइट, क्वालिटी कार्स अफोर्डेबल रेट में आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ कार किक्स में, और ये जो पसीने, ये मेहनत के पसीने सर आपके लिए, इतना काम करते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां ला रहे हैं, अभी तो बस शुरुआत हुई है जर्नी की, बट YouTube पे हम 4 साल से थे, अभिषेक भाई तो पूरी जर्नी जानते हैं, हम तो भाई बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, तो हमने बहुत स्ट्रगल किए ये सब चीजों में, और वहां से लेके यहाँ तक का सफर भी थोड़ा ऐसा सीढ़ियों जैसा था, ऊपर नीचे चढ़ाओ उतराओ, बट अच्छा लगा, मजा आया, डेस्टिनेशन पहुंच गए, बट ये तो अभी शुरुआत है, डेस्टिनेशन की भी शुरुआत है, आगे और भी बढ़ना बाकी है, बस भाइयों का जैसा सपोर्ट आता रहेगा, और जो भी उनकी ड्रीम कार है अगर आप लेना चाहते हैं कुछ इस दिवाली, इस दशहरा, इस नवरात्रि, उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताना, क्योंकि हम ट्राई करेंगे उनके लिए उस गाड़ी को पहुंचाने, तो आप सबसे पहले ये डिसाइड होता है कि आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, अगर जॉब कर रहे हो तो सैलरी स्लिप 3 महीने का और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस प्रूफ एंड 2 साल का ITR, उसके बाद नॉर्मल जो KYC रहते हैं, अगर खुद का घर है तो लाइट बिल, और रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, दैट्स इट, इतने में आपका हो जाएगा लोन, एंड कितने देर में, 3-4 दिन लगता है सर, क्योंकि कार का, बाइक का तो हमारा बहुत जल्द हो जाता है, 1 घंटे में तो, बट कार क्या थोड़ी महंगी चीज है, उसमें वैल्यूएशन में टाइम जाता है, तो ये सब में थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये लाख रुपए के ऊपर की चीजें जितनी है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम जाता है, एक बार एड्रेस बता दो कि कहां आना है, कैसे आना है, B1 पार्किंग सर वसंत ओसिस, अगर आप मरोल में आओगे तो बहुत ही फेमस बिल्डिंग है वसंत ओसिस, उन्हीं के पार्किंग बेसमेंट 1 में रहने वाला है, Y4 पिलर नंबर पे, आप खाली गूगल मैप पे भी डालोगे कार किक्स, भाइयों ने इतना फेमस बना दिया अभी कार किक्स, जाओ फटाफट से फॉलो करो, मैप में डालो कार किक्स, और ये जो अपने स्कैनर है सर, ये अपना कैटलॉग का है, इसमें व्हाट्सएप में हाई भी लिखोगे 9892727407, इस नंबर पे अगर आप हाई भी लिखोगे तो हम आपको कैटलॉग वगैरह हर एक चीज शेयर करेंगे, अच्छे अच्छे फोटोज लिए हमने गाड़ी के, जाइए फटाफट से चेकआउट कीजिए और विजिट करिए कार किक्स, एंड अपने सपने पूरे कीजिए। आई होप आपके पूरे डाउट्स क्लैरिफाई हो गए रहेंगे, वीडियो को वाइंड अप करते हैं, इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल, बी अनस्टॉपेबल, पीस।